अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पावर एकेडमी एंड यू आर वाचिंग इजी ट्यूटोरियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ईकैट 2016 पे बात करेंगे। 30 एमसीक्यूज हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है सॉल्विंग द इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है फॉर एक्स की, इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज निकालनी है क्या आती है। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। ये इसका सोल्यूशन है। यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आएगा एक्स प्लस ए, और जैसे बी को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस ए। तो यहां से हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। अगर एक्स प्लस ए को भी ये दोनों जीरो के इक्वल है तो इन दोनों को कुछ इस तरह लिख लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस ए और दूसरी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। स्टूडेंट सेकंड एमसीक्यू जो है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स आर, ये दो रूट्स लिए हैं हमें इस इक्वेशन के और हमें बताया है देन द इक्वेशन इज, इसमें से बताना है कि किस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये रूट बनते हैं। अब सारों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूम होगा, हमें इन रूट्स की मदद से पता लगवाना है कि कौन सी इक्वेशन बनती है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमारे पास एक रूट है एक्स इक्वल टू टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री और सेकेंड रूट है एक्स इक्वल टू टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। अगर ये जो राइट साइड पे टर्म है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ये बनेगा एक्स माइनस टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री इक्वल टू जीरो, और ये बनेगी एक्स माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, कैसे, एक्स माइनस टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री एक्स माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू आएगी जीरो के, क्योंकि ये चारों इक्वेशन जीरो के इक्वल है। तो स्टूडेंट सिंपलीफाई सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इनको, क्या आएगा, पहले एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट थ्री, अब टू को करेंगे तो माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस फोर माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री, और इसी तरह स्क्वायर रूट थ्री को करेंगे मल्टीप्लाई तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट थ्री माइनस माइनस प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर रूट थ्री इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपलीफाई होकर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और साथ में क्या है इसके, ये कहना माइनस टू एक्स है। कॉन्स्टेंट टर्म्स कौन सी है, फोर माइनस थ्री, तो ये बनेगी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स ये बनता है माइनस फोर एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है इसका अल्फा। स्टूडेंट थर्ड एमसीक्यू जो है द एट टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, ये में एक सीरीज गिवन है, इसकी एट टर्म्स फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, एट टर्म्स कौन सी होगी सीरीज की। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, ए टर्म्स फाइंड करनी है। ए टर्म्स के लिए जो हमारा आर होगा वो होगा सेवन प्लस वन, और एन क्या है इसमें ट्वेल्व, सी आर की वैल्यू है सेवन और ए है इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एन माइनस आर किसके इक्वल है, एन की वैल्यू है ट्वेल्व और आर की वैल्यू है सेवन, आर की वैल्यू है सेवन, जब इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा फाइव, बी क्या है माइनस वन ओवर टू एक्स स्क्वायर, और ये सिंपल आर है तो आर की वैल्यू है सेवन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ट्वेल्व का फैक्टोरियल ओवर सेवन फैक्टोरियल इनटू, ये फार्मूला कुछ यू होता है एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल
का फैक्टोरियल, तो ये आ गया n का फैक्टोरियल, ये r 7 तो 7 का फैक्टोरियल आ गया है, और n माइनस r मतलब फिर 5 फैक्टोरियल बनता है ये, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 की पावर 5 x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और इस तरफ क्या होगा माइनस 1 ओवर 2 की पावर 7 x की पावर 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 14। इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका फैक्टोरियल ओपन कर लें 12 रूट 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, ये 5 का फैक्टोरियल भी ओपन कर लेते हैं, ये बनेगा 5 4 3 2 1, तो ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, इस तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा माइनस 1 ओवर 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 को जब नीचे लेके आएंगे 2 की पावर बन जाएगी 7 माइनस 5 जो कि 2 स्क्वायर के इक्वल होगी, और ये 14 है पावर, जब 10 को नीचे लेके आएंगे तो 14 माइनस 10 वो इक्वल होगी 4 के, तो स्टूडेंट इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ये 2 यहाँ से 4 बन गया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 था तो ये 3 9 बन गया है, इसी तरह ये 4 बनता है, ये इसी तरह कैंसिल होगा तो ये 3 के इक्वल आएगा, इसी तरह ये 5 इस 10 के इक्वल होगा, तो जब 3 11 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कुछ यू 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, ये इक्वल आएगा 198 के, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, ये माइनस भी आएगा साथ, और डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर 4, तो जो हमारा आंसर बनता है वो होगा v, मतलब कि जो ए टर्म होगी सीरीज की वो बनेगी माइनस 198 ओवर x की पावर 4। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दो ऑप्शन दिए हैं और देखेंगे इनमें से कौन सा करेक्ट है, सबसे पहले ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं, 16 को कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाय 6, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 की पावर 2 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 6 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 4 की पावर 1 बाय 3, 4 4 दोनों सेम है जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 जो कि ये इक्वल टू 1 होगी, तो इसकी राइट हैंड साइड भी 4 है तो ये का आंसर भी 4 आया है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं कि बी कैसे इनकरेक्ट है, बी में क्या है 3 को हम 9 को 3 स्क्वायर में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 1 बाय 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 की पावर 2 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 बाय 3, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 इक्वल टू 3, तो लेकिन इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं क्या ये 3 आती है या नहीं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8, ये 2 8 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 4 के इक्वल, ये बन गया 9 की पावर 1 बाय 4, 9 का फिर इसको 3 स्क्वायर में लिख लेते हैं क्योंकि हमें आंसर 3 में चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 1 बाय 2 जो कि स्क्वायर रूट 3 है, ये आंसर हमारा आया था 3 इक्वल टू राइट साइड पे आया स्क्वायर रूट 3 जो कि नॉट इक्वल है, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। स्टूडेंट फिफ्थ एमसीक्यू में हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, 3 x square minus 6, इस 9 को जब 3 square में देखेंगे तो ये इक्वल आएगा 3 square into x plus 1 equal to 0, इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x plus 2 equal to 0, इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये आएगा इक्वल 3 की पावर 2x plus 2, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं x square minus 6 equal to log 3 की पावर 2x plus 2, तो लॉगरिथम का लॉग कहता है कि ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी तो इसके कुछ इस तरह लिख सकते हैं x square minus 6 into log 3, और ये पावर जब स्टार्ट में आएगी तो ये आएगी 2x plus 2 into log 3, ये log 3 से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां से x square minus 6 equal to
2x plus 2, इसको left side पे ले आते हैं, x square minus 2x minus 6 minus 2 क्या हो जाएगा minus 8। अब इस equation की मदद से हम easily x की value find कर लेंगे। x square minus 2x minus 8 equal to 0, इसको solve कर लेते हैं x की value find करने के लिए। यहां से x को कॉमन ले लिया, x minus 4, 2 को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x minus 4, x minus 4 into x plus 2 equal to 0, दोनों का product 0 के equal है तो इसको अलग अलग लिख देते हैं, equal to 0, x plus 2 equal to 0। यहां से x की value आएगी plus 4 और इधर से x की value क्या आएगी minus 2, तो जो option A है वो करेक्ट होगा। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6 है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x इक्वल है log स्क्वायर रूट 729 का log लिया है विद बेस 9। इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है ऐसे, 9 की पावर x इक्वल टू स्क्वायर रूट 729। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 9 को 3 स्क्वायर में लिख सकते हैं तो ये आएगा 3 की पावर 2x और ये बनेगा 729 की पावर 1/2। इसको यहां से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि बेसिस को हम सेम करते हैं, मतलब कि यहां पे 3 है तो ये 729 को भी 3 की पावर में लिखें तो 729 इक्वल होता है 3 की पावर 6। ये हमारे पास आएगा 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 इस 3 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बनेगा, ये दोनों बेसिस सेम है, ये इक्वल आएंगे 2x इक्वल टू 3 के, यहां से x की वैल्यू होगी 3/2, तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 7 है, ऑन सिंपलीफाइंग द एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंपलीफाई करके बताना है कि आंसर इनमें से कौन सा बनता है। तो कुछ बातें समझने वाली है कि log y by mean के हमने y का log लेना है अकॉर्डिंग टू बेस y, जब ये दोनों सेम हो तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल टू होता है 1 के, और यहां पे क्या है log x बेस x है, 1 का log लेना है, जब हम 1 log 1 लेंगे बेस कोई भी हो तो हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि log 1 0 होता है, बेस जो मर्जी हो। इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, इसमें 3 इसकी वैल्यू 1 है डॉट 1 तो ये 3 ही रहेगा प्लस 1 ओवर log 1 0 है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, तो ये बनेगा 4/4 equal to 1, तो जो correct option है इसका वो है B। Student MCQ number 8 है, the coordinates given in the table represent a line y equal to mx plus c, the value of m and c are, हमने m और c की value find करनी है और हमें line की equation given है y equal to mx plus c और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू दी गई है इस लाइन की इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो वहां पे y की वैल्यू क्या आती है 6, तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या बन गई y equal to mx plus 6। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, x 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू, सब इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है तो इसके लिए हम सिंपल 3 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू जब 3 लें, x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू है वहां पे 2, यहां पे आ गया प्लस 6, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 2 minus 6 over 3, तो ये आएगा minus 4 over 3, तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू क्या है minus 4 by 3 और c की वैल्यू है 6, मतलब कि चार्ली का ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9 में हमें एक्सप्रेशन दिया है 2 over x into x plus 1, तो बताना है किसके इक्वल है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 2 over x into x plus 1 equal to a over x plus b over x plus 1, a और b अननोन है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और b की वैल्यू के लिए हमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे -1,
तो फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। सिंपलीफाई करेंगे दोनों तरफ हम एक्स इंटू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स, एक्स जीरो पुट करेंगे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये हमारे पास आएगी जीरो प्लस वन प्लस बी इंटू जीरो, तो ए की वैल्यू आएगी टू, एक अननोन फाइंड हो गया है टू। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू के लिए हम एक्स माइनस वन पुट कर देते हैं, ये बनेगा टू इंटू ए, इसी क्वेश्चन में पुट करनी है माइनस वन प्लस बी माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया, ए मल्टीप्लस जीरो जीरो, तो ये आएगा टू इक्वल टू माइनस बी, तो बी इक्वल आएगा माइनस टू के, तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी टू और ये प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है अल्फा। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 10 है, फाइंड ऑल द एंगल बिटवीन माइनस 360 डिग्री एंड 180 डिग्री व्हेन साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। स्टूडेंट्स अगर इनको कार्टेशियन प्लेन में देखें, कार्टेशियन प्लेन में जब हम इस जीरो से स्टार्ट करके इसे पर जाते हैं तो एंगल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 0, 90, 180 डिग्री, 270, जब कंप्लीट रोटेशन हो जाती है तो ये 360 डिग्री बनती है। स्टूडेंट साइन किधर पॉजिटिव होता है, इस जगह के साइन कोस टेन तीनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, मीन के साइन यहाँ पॉजिटिव है तो टेन और कोस यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव, तो मीन के जो 180 टू 360 का जो इंटरवल है यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आती है माइनस। अब अगर हम इस जगह पे देखें तो साइन 30 पे हमें मिलती है वैल्यू 1/2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे क्या होगा 180 से यहाँ पे एक्स एक्सिस से हम जब 30 डिग्री आगे मूव किया तो हमारे पास 1/2 आया, तो यहाँ पे जब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे तो 30 डिग्री हम पीछे जाएंगे तो ये बनेगा 180 से माइनस 30 करेंगे तो ये बनेगा 150, मतलब साइन 150 यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 1/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन होता है पॉजिटिव। अब थर्ड में क्या होगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है, मीन कि हम इस एक्स एक्सिस से 30 डिग्री मूव करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 210, 210 पे साइन की वैल्यू होती है माइनस 1/2, क्योंकि इस जगह पे एंगल तो 1/2 के इक्वल आएगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ 30 डिग्री जब इधर मूव करेंगे नीचे तो 360 में से 30 को माइनस करेंगे 330 बनेगा, तो साइन 330 पे भी वैल्यू क्या आती है माइनस 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सिमिट्री होती है कि ये अपनी वैल्यूज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करते हैं, जैसा कि 1/2 थी फिर 1/2 देन थर्ड में माइनस 1/2 क्योंकि वहां पे साइन का फंक्शन नेगेटिव था, नेगेटिव वैल्यू देता है, इसी तरह फोर्थ में, तो आंसर तो होना चाहिए था ये इन्होंने इंटरवल दिया है माइनस 360 टू 180 के दरमियान, मतलब 180 टू 360 के इन बिटवीन होना चाहिए था, मतलब ये एंगल आना चाहिए थे 210 एंड 330, लेकिन इन्होंने हमें दिया है 30 150 में जो कि इसमें बनते हैं। तो स्टूडेंट्स जो साइन का फंक्शन है इसका जब हम एंगल लेते हैं माइनस थीटा तो ये इक्वल आता है माइनस साइन थीटा के, तो जब हम ये माइनस 30 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 और जब साइन 150 माइनस 1/50 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि जब साइन का एंगल लेते हैं माइनस थीटा तो वो माइनस एज इट इज बाहर आ जाता है और हम उस थीटा को फाइंड कर लेते हैं जो कि हमने फाइंड किया 1/2 है लेकिन साइन बाहर आ गया है, तो दोनों एंगल माइनस होने चाहिए माइनस 30 और माइनस 150 जहां पे साइन की वैल्यू आएगी माइनस 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है अल्फा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 11 है, इसमें दो मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी, गिवन दैट ए एक्स इक्वल टू बी इज द मैट्रिक्स एक्स, मतलब एक्स की किस वैल्यू को हम एक्स का कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा, ये है ए एक्स इक्वल टू
बी हमें मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है, तो ये ले जाते हैं ए, ये को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? इसमें के डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे माइनस टू थ्री और इनके साइन चेंज कर देंगे फोर माइनस टू, और जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो आएगा इक्वल माइनस सिक्स प्लस एट इक्वल टू टू के। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? वन बाय टू माइनस टू फोर माइनस टू थ्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आ गया? इनवर्स वन बाय टू माइनस टू फोर माइनस टू थ्री। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ 27 16। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन बाय टू, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 54, माइनस फोर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64 प्लस 64, और नीचे क्या आएगा? माइनस टू थ्री। इस रो को हम जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14 माइनस 54 प्लस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 जी आएगा इक्वल टू 10, और माइनस 54 में से जब 48 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल आएगा माइनस 6 के। 2 को अंदर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 5 माइनस 3, मतलब कि x की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू माइनस 3 है। ये मैट्रिक्स कुछ यू बनेगा, x1 x2 इक्वल टू x1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू है माइनस 3। तो इसमें चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड सी। गिवन दैट ए पी इक्वल टू सी, फाइंड द मैट्रिक्स बी। ये भी 11 एमसीक्यू से मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो सी मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमने बी फाइंड करना है बी। तो ए को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बनेगा ए इनवर्स सी। तो पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट की हम पोजीशन चेंज करेंगे माइनस वन वन, और जो बाकी एलिमेंट है इनका साइन चेंज करेंगे माइनस थ्री माइनस टू, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? माइनस वन माइनस सिक्स जो कि माइनस सेवन के इक्वल आएगा। ये मैट्रिक्स ए इनवर्स हमारा आ गया है माइनस वन बाय सेवन माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू एंड वन। इसको मल्टीप्लाई किस करना है? सी से, वन जीरो जीरो वन। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू बाय टू का, अगर हम इसको टू बाय टू के किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो इटसेल्फ आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसको हम किसी के ऊपर भी अप्लाई करें तो हमारा आंसर एज इट इज आ जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है, जब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज हमारा यही आंसर आ जाएगा। ये इक्वल होगा माइनस वन बाय सेवन ओवर ये मैट्रिक्स बनेगा इसका। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है। ये वन बाय सेवन है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है इसका वो बनता है ये अल्फा। एमसीक्यू नंबर 13 में क्या है? सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन साइन टू थीटा ओवर 1 प्लस कॉस टू थीटा। इसको सिंपलीफाई करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्टूडेंट साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो 1 प्लस कोस टू थीटा है ये इक्वल होता है 2 कोस के थीटा के। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो के टेन थीटा के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है इसका चार्ली।
स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 14 है, इसमें ये फंक्शन है जिसको इवैल्यूएट करना है लिमिट 1 लेके। तो अगर हम इसमें डेल्टा 1 पुट करेंगे तो ये 0 पर 0 फॉर्म बनेगी, इसलिए हम इस फंक्शन को थोड़ा सिंपलीफाई करके देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस x, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, और नीचे हम x को कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा x माइनस 1। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2। इसके फैक्टर कौन से बनेंगे, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x को इंटू x माइनस 1। ये x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये फंक्शन हमारा सिंपलीफाई होके आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x। तो अब हम इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे जो सिंपलीफाई हो गया है, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस फंक्शन को हमने सिंपलीफाई किया है ये इक्वल आया है x प्लस 2 ओवर x के। अब सिंपल हम इसमें 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में क्योंकि लिमिट 1 है, 1 प्लस 2 ओवर 1, तो यहां से हमारा आंसर आएगा 3। तो एट लिमिट 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू आती है 3, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 15 है, डिफरेंशिएटिंग द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया है इसको हमें डिफरेंशिएट करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आता है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं देन डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपलीफाई कैसे होगा, x माइनस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले साइड में मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 1 को, ये आएगा x क्यूब प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर। इस तरह माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, ये 4x इस माइनस 4x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इक्वल आएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। ये सिंपलीफाई हो गया है, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपलीफाई कर लिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो हमारे पास डिफरेंशिएट करके ये आया। इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3x को कॉमन ले लेंगे ये अंदर बचेगा x प्लस 3, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है इसके अकॉर्डिंग, सॉरी स्टूडेंट यहां पे 2 आ जाएगा, तो डेल्टा ऑप्शन होता है वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 16 है, द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है एट 2 5, मतलब कि इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें जो कि इसका ग्रेडियंट होगा कर्व का, और उसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 पुट करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2 के इक्वल आएगा। कंडीशन कुछ यूं है कि इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे कर्व का तो 0.25 पुट करेंगे ये इक्वल आएगा 2 के, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हमने क्योंकि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो उन्होंने कंडीशन दी है उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आएगा वो dy / dx इक्वल टू a माइनस 2b ओवर x क्यूब, तो कंडीशन है कि x 2 और y 5 पुट करेंगे ये 2 के इक्वल आएगा, 2 इक्वल टू a माइनस 2b, y खत्म हो चुका है तो सिंपल हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2 क्यूब, इसको सॉल्व कर लेते हैं a माइनस 2b ओवर 8, ये आ जाएगा b ओवर 4, दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 4a माइनस b, तो ये हमारे पास आ गई है पहली इक्वेशन 8 इक्वल टू 4a माइनस b, ये है इक्वेशन 1। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन इक्वेशन हमारे पास एक है, हमें a और b दो वेरिएबल हैं, इनको फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब a और b की वैल्यू निकलेगी। तो स्टूडेंट्स कंडीशन है हमें पॉइंट गिवन है इस कर्व का, मतलब ये 2 5 अगर ये कर्व की इक्वेशन है तो 2 5 इसी कर्व का पॉइंट है, अगर हम x 2 और y 5 पुट करें तो इससे हमारे सेकंड इक्वेशन आ जाएगी वो बनेगा y 5 आएगा और x की वैल्यू क्या है 2, तो ये बनेगा 2a प्लस b ओवर 4, इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा 20
इक्वल टू 8 ए प्लस बी, तो इस इक्वेशन को पीछे नीचे लिख लेते हैं, 20 इक्वल टू 8 ए प्लस बी, ये इक्वेशन हमें 2। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 28 इक्वल टू 12 ए, यही से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 7/3। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8 इक्वल टू 4, ए की वैल्यू है 7/3, तो ये आ गया 7/3 माइनस बी। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी को इस तरफ ले आते हैं राइट साइड और इसको सोल्व करते हैं, ये बनेगी 28 माइनस 24 जो के 4/3 के इक्वल आएगी, तो बी की वैल्यू आ गई है 4/3 और ए की वैल्यू आई थी 7/3। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है 4D, इसमें ए 7/3 है और बी 4/3 है। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 17 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज -1। मतलब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन की जो स्लोप है जब वो -1 के इक्वल होगी तो उस जगह पे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं, मतलब कि वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो इसकी स्लोप बन जाएगी, वो क्या होगी वाई की, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वल आएगा 6x² - 8x + 1। ये dy / dx बेसिकली स्लोप ही है इस इक्वेशन की जो कि -1 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ये -1 के इक्वल है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 6x² - 8x, ये +1 इस साइड पे आ गया, ये बन जाएगा +2 = 0, या फिर 2 को कॉमन निकाल लें ये बनेगा 3x² - 4x + 1 = 0। 2 इस साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां से क्या आएगा 3x², इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं -3x - x + 1 = 0, यहां से हम 3x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x - 1, यहां से -1 को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x - 1। यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है, एक आई है x = 1/3 x = 1। तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन है वहां पे x की वैल्यू 1/3 भी है और 1 भी है, हम देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या यही आती है। सबसे पहले इस कर्व की इक्वेशन में हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x1 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यू आई है 1 एंड 1/3। 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 1³ - 4 1² + 1 + 1, तो ये बनेगा 2 - 4 + 2 जो के 0 के इक्वल है, तो ये भी करेक्ट होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 1/3 भी आई है, ये बेसिकली ऑर्डर का होता है, इसमें पहली वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू y है। अब हमें ये देख लेते हैं कि 1/3 पुट करें तो हमारे पास 26/27 आता है एट x = 1/3। तो इसमें 1/3 पुट करेंगे 2 1/3³ - 4 1/3² + 1/3 + 1, ये इक्वल आएगा 2/27 - 4/9 + 1/3 + 1, इसका सिंपल एलसीएम लेंगे 27 2 - 12 + 9 + 27। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा इक्वल 26/27 के, मीन के ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बोथ ए एंड सी। 1 और 1/3 पे हमें y की वैल्यू 0 और 26/27 ही मिलेगी। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 18 में y का डेरिवेटिव है x³ + 3, देन इज गिवन बाय, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, dy/dx = x³ + 3। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी y = x^4/4 + 3x + c।
तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 19 में हमें दो फंक्शन गिवन है, इन दोनों की लिमिट डिफरेंट है, पहले की लिमिट 0 टू 1 है और दूसरे की 1 टू 3 है। इन दोनों की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर 3 के इक्वल ही आएगा। क्वेश्चन क्या है, उसने इन्हीं दोनों फंक्शंस को ऐड किया है और हमें बोला कि के की वैल्यू इवैल्यूएट करें। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 टू 1 f(x) dx की वैल्यू 3 है और जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे ये भी 3 के इक्वल है और ये दोनों a के इक्वल है, तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 6। यहां बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 20 है, गिवन दैट ये फंक्शन है इसकी लिमिट 1 टू 3 पे जो वैल्यू आती है वो 3 है, तो ये क्वेश्चन है इक्वल टू k के, इसको सॉल्व करना है और हमें k की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है इसका, वो जो भी आंसर आएगा वो k के इक्वल है तो k की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इंटीग्रेशन को अंदर अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3f(x) dx प्लस ये 4 के साथ भी आएगी लिमिट, इंटीग्रेशन लिमिट है 1 टू 3 dx इक्वल टू k। गिवन क्या है, 1 टू 3 पे इस फंक्शन को जब सॉल्व करें तो वो 3 के इक्वल आएगा, तो ये जो फंक्शन है ये 3 के इक्वल आ गया है प्लस 4। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो x होगा और x की जब हम लिमिट पुट करेंगे 3 1, तो ये बनेगा 3 - 1 = k, 9 प्लस ये बनेगा 4 × 2 = k, 9 + 8 = k, तो k की वैल्यू यहां से आएगी 17। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बीटा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 21 में है, उन्होंने फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव दिया है। उन्होंने बोला है इवैल्यूएट, मतलब कि ये जो डेरिवेटिव आया है उसी की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। हमने करना क्या है, बेसिकली किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन इस तरह भी आएगा। लिमिट क्या है, 1 टू 3, हमने कुछ यही चीज फाइंड करनी है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपल डेरिवेटिव खत्म हो गया, y के इक्वल आएगा, तो ये फंक्शन एज इट इज यही बन जाएगा x²(2x - 1), और लिमिट क्या है इसकी 1 टू 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3² (2×3 - 1), माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 1² (2×1 - 1), इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 6 - 1 - 2×1, तो यहां से हमारे पास आएगा 9√5 - 1। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 4 के। एमसीक्यू नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये रूट्स ये हैं, इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसके कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब कि हम -1 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये रूट इसका बनता है। तो ये तीनों वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इसमें कौन सा इसका वैलिड रूट आता है। सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6 - 3 - 8 + 5 + 6, तो ये इक्वल आ जाएगा -11 + 11 जो के 0 के इक्वल है। इसी तरह 3 पुट करके देख लेते हैं तो वो बनेगा 27 - 8 3² (9 - 15 + 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आएगा, लेकिन जब इस इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जो रूट्स बनते हैं वो a और b दोनों बनते हैं, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। 23rd एमसीक्यूज में हमें दो स्ट्रेट लाइन गिवन है m एंड n, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन क्या-क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट एट मल्टीपल पॉइंट, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उसके लिए हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं दोनों लाइंस की, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इनका बिहेवियर कैसा है। तो स्टूडेंट्स लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y = mx + c, जिसमें जो m है y
ये इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन की स्लोप होगी, तो m की स्लोप इसके अकॉर्डिंग क्या बनती है, m1 3 बनता है और यहाँ पे m2 स्लोप जो है वो बनती है -1/3। मीन के जो m लाइन है इसकी स्लोप है m1 इक्वल टू 3 और जो n लाइन है इसकी स्लोप है m2 इक्वल टू -1/3। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इनकी स्लोप होती है इक्वल, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर हो तो दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट आता है वो -1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो मतलब कि जो पहला ऑप्शन है पैरेलल वाला ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा -1 के इक्वल। मीन के ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो मीन पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन है m एंड n डू नॉट इंटरसेक्ट, जबकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इतना इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ में क्या है, m एंड n इंटरसेक्ट एट मल्टीपल पॉइंट्स, जबकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ये सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, इसके अलावा किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, डेल्टा ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। 24th MCQ है, let the real value function f and g are defined by f of x, ये function है g of x, इसके equal है, हमें find क्या करना है, the expression for f of g x, मतलब कि हमें function f में g of x की ये value put करनी है, x square minus x, तो function क्या है, 3x plus 1, x की value क्या है यहाँ पे, x square minus x plus 1, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं 3x² - 3x + 1, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है 4d। स्टूडेंट्स 25th MCQ में हमें ये इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन, हमने इसका y इंटरसेप्ट और स्लोप बतानी है। तो y इंटरसेप्ट क्या है, मतलब कि अगर ये लाइन ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है तो इस पॉइंट पे x क्या होगा, 0। तो मीन अगर हम इस इक्वेशन में x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, एट y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे हमारे पास आएगा 3y - 2 = 0, y इक्वल टू 2/3, ये आ गया है हमारे पास y इंटरसेप्ट। और उसके बाद हमने सेकंड क्या बोला है, स्लोप, तो लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बनती है y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें ये जो m है ये बताता है इस लाइन की इक्वेशन की स्लोप। इसको कुछ इस फॉर्म में बना लेते हैं इस इक्वेशन को, तो y एक साइड पे रहने देंगे, x और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये बनेगा 3y = 2 + 2 - 2x। तो इस इक्वेशन में सिंपल y है तो यहां पे 3 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ये बनेगा y इक्वल टू -2x/3 + 2, तो m की वैल्यू क्या आई है -2/3 जो के इसकी स्लोप है। तो कहां पे स्लोप, y इंटरसेप्ट है 2/3, y इंटरसेप्ट 2/3 निकला है और स्लोप पे निकली है -2/3, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। 26th MCQ है, हमें इक्वेशन दी है और बताना है फर्स्ट यूनिट, मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन से बनते हैं। तो स्टूडेंट ये x की वैल्यू पेयर में दी है, कौन सा पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ही ठीक आंसर होगा। जैसा कि अगर हम इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे -3 × 2 + 2 + 2 / 5, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी, मतलब 0 इसका आंसर आएगा। इसी तरह जब हम इसमें 3 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब भी इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4d। स्टूडेंट्स 27th MCQ है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू cos x एंड x एक्सिस फ्रॉम लिमिट दी है 0 टू π/2 इज सेम एज, मतलब कि इस फंक्शन का एरिया है वो इन फंक्शन में से किसके इक्वल है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, देन इनके एरिया फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एरिया इस एरिया के सिमिलर है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे पहले हम cos x की इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगी sin x, लिमिट क्या गिवन है 0 टू
पाई बाय टू। जब हम इन लिमिट को पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई बाय टू माइनस साइन जीरो, यहां से आंसर आएगा वन। मतलब कि फंक्शन का जो एरिया है वो आया है वन। अब जो ऑप्शन गिवन है इनके एरिया फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस एक्स, लिमिट है जीरो टू पाई बाय टू। जब इस लिमिट को पुट करेंगे कोस पाई बाय टू माइनस कोस जीरो, तो ये बनेगी जीरो माइनस वन, यहां से एरिया क्या आएगा वन। मतलब कि ये जो ए ऑप्शन है इसका एरिया भी वन के इक्वल है। सेकंड का एरिया फाइंड कर लेते हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस एक्स, लिमिट गिवन है पाई बाय टू टू पाई, ये आएगी माइनस कोस पाई माइनस कोस पाई बाय टू। कोस पाई होता है माइनस वन और कोस पाई बाय टू जीरो के इक्वल होगा, तो यहां से आंसर आएगा वन। मतलब कि जो ऑप्शन बी है इसका एरिया भी वन होगा। थर्ड फाइंड कर लेते हैं। ये माइनस पाई है तो यहां पे माइनस लगाएंगे। कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स, और लिमिट क्या गिवन है हमें पाई बाय टू टू पाई, तो लिमिट को पुट करेंगे साइन पाई माइनस साइन पाई बाय टू, आंसर आएगा हमारा साइन पाई जीरो है और साइन पाई बाय टू माइनस वन है, तो ये एरिया भी क्या आ गया वन के इक्वल। तो स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन बनता है उसमें आर ऑफ द अबव, मतलब कि तीनों का एरिया इस एरिया इस फंक्शन के एरिया के सेम होगा। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज 28 में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है जो कि इनका प्रोडक्ट 21 के इक्वल है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 21। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2x 20 माइनस 1 माइनस 15 माइनस 2, तो यहां से आएगा हमारे पास 6 माइनस 2 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। स्टूडेंट 29 एमसीक्यूज है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस एटा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो मैं इनको सिंपलीफाई करके देख लेते हैं कौन सा इनमें से 1 प्लस एटा के इक्वल आता है। पहले ऑप्शन में क्या है 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाय 2 प्लस एटा sin 30 की वैल्यू क्या होती है ये भी 1 बाय 2 के इक्वल होती है। सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ये आएगा 1 प्लस एटा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एटा बन जाएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। बी सी डी को भी देख लेते हैं कि कैसे इनकरेक्ट है। cos 60 होगा 1 बाय 2 के इक्वल प्लस एटा sin, sin 60 होता है अंडर रूट 3 ओवर 2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कभी भी ये 1 प्लस एटा के इक्वल नहीं आएगा। चार ऑप्शन है 2 cos 60 1 बाय 2 प्लस एटा sin 60 की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 ओवर 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 1 प्लस एटा अंडर रूट 3, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1 प्लस एटा स्क्वायर रूट 3, तो ये भी 1 प्लस एटा के इक्वल नहीं है। चार डी भी इनकरेक्ट होगा और cos 30 जो है वो होगा इक्वल अंडर रूट 3 ओवर 2 के, sin 30 होगा 1 ओवर 2 के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ये आंसर आएगा, ये भी 1 प्लस एटा के इक्वल नहीं होगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है इसका। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 30 है, इफ अ मैट्रिक्स ए गिवन है देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड के इज ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 2i वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि हम k और p की कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसके लिए जो इक्वालिटी है ये होल्ड करे। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, उसमें हम डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे और बाकी एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे तो वो माइनस जीरो जीरो के इक्वल होगा, ये जीरो जीरो आ जाएगा।
और इसका जो डिटरमिनेंट है वो होगा इक्वल 1 ओवर केपी माइनस 0 इक्वल आएगा 1 ओवर केपी के। तो ये डिनोमिनेटर में हम इसे ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 1 ओवर केपी इनटू पी 0 0 के। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा पी ओवर केपी 0 ओवर केपी 0 ओवर केपी के ओवर केपी। तो यहां से हमारे पास एक बार सिंपलीफाई होके आ जाएगा, ये पी पी से कैंसिल होगा, ये 1 ओवर के आ जाएगा, ये 0, ये भी 0 के इक्वल आएगा, ये के इस के से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1 ओवर पी के इक्वल। ए इनवर्स फाइंड कर लिया हमने, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, मैट्रिक्स ए प्लस ए इनवर्स को, वो क्या है हमारे पास 1 ओवर के 0 0 1 ओवर पी। स्टूडेंट्स आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ यूं बन जाएगा 2 0 0 2, क्योंकि 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो जो 0 0 है वो 0 ही रहेगा, ये इक्वल है 2 आई के, तो 2 आई है 2 0 0 2। स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, k प्लस 1 ओवर k 0 0 p प्लस 1 ओवर b p इक्वल टू 2 0 0 2। स्टूडेंट्स इसी क्वालिटी का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो हर एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट से सिमिलर है, मतलब k प्लस 1 ओवर k इक्वल होगा 2 के, ये 0 0 के इक्वल है, ये 0 इस 0 के इक्वल है, और p प्लस 1 ओवर p इस 2 के इक्वल है। अब हमें वैल्यू बतानी है k और p की, कौन सी ऐसी वैल्यू रहे कि वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी कि यहां से हमारे पास दो रिलेशन आ गई, एक आ गया k प्लस 1 ओवर k इक्वल टू 2 और दूसरा आ गया p प्लस 1 ओवर p इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, हमें 2 को इक्वल लेके आना है। अगर हम 2 पुट करते हैं 2 प्लस यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये भी 2 के इक्वल नहीं आएगा, इस तरह 2 से आगे हम कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ उसी सूरत में वैलिड आएगा अगर हम k की वैल्यू को 1 लें, मतलब यहाँ पे 1 हो 1 ओवर 1 तो ये 2 के इक्वल आएगा, और b की वैल्यू भी 1 लें तो ये 2 के इक्वल आएगी। मतलब क्या है कि अगर हम इस मैट्रिक्स में k की वैल्यू भी 1 लें और p की वैल्यू भी 1 लें देन ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो k कहाँ पे हो, अल्फा ऑप्शन है, यहाँ पे k भी 1 है और p भी 1 है, तो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था, अगर आपको इन एमसीक्यूज में किसी भी डिफिकल्टी का सामना हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये ईकैट के रेलिवेंट एमसीक्यूज पहुंच सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और पेपर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।